सुबह आज का जो शेड्यूल था सुबह उठे इंट्रो जो देना था वो घर पे ही देना था यार, लेकिन जल्दबाजी में निकलना पड़ा तो दे नहीं पाया। तो सबसे पहले देते हैं यार अपना इंट्रो जो कि अपना परंपरागत अनुसार है। तो ऑल राइट, सो गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स यश, आई एम वेल, होप सो यू टू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और यार ये होने वाला है एक मोटो व्लॉग जो कि मेरा पहला मोटो व्लॉग है। तो यार अभी है मॉर्निंग के आई थिंक 5:30-6 बजे आई थिंक यार, वो निकलना तो होगा जल्दी। आए प्लान किया था 4:30-4 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन फिर यार निकल नहीं पाए, इतना जल्दी लेट हो गया उठने में, तो फिर लेट ही स्टार्ट हुआ। लेकिन यार सोचा कि अब दूर जाना है तो फिर एक क्यों ना एक मोटो व्लॉग बना ही लेते हैं। तो यार लगाया हेलमेट, कैमरा माउंट किया और निकल दिए मोटो व्लॉग बनाने के लिए। तो यार ये अभी जो हम लोग हैं ये दिल्ली कानपुर हाईवे पर हैं, जो कि कानपुर के आउटसाइड्स में जाता है। लेकिन यार कुछ व्यूज़ डाले मैंने आगे, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यूज़ है, तो व्यू ज़रूर देखना है यार। और फिर कैसा होने वाला है मोटो व्लॉग ये तो कुछ आइडिया नहीं, तो आप लोगों को ही बताना है। तो यार बने रहो व्लॉग के एंड तक और बताना ज़रूर कमेंट में कि कैसा लगा ये व्लॉग। ओके, तो यार मेरी बाइक है जो कि क्रूज़र बाइक है, और आज के दिन में ट्रैवल करने वाला हूँ 500 to 600 किलोमीटर। कैसी होती है राइड यार, इतना कंफर्टेबल होता है या नहीं, तो ये सब तो फिर आगे जाके पता चलेगा। तो व्लॉग देखना आगे तक और मैं बताता रहूँगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाईवे राइड की एक बात बहुत ही बढ़िया होती है यार कि रोड एकदम स्मूथ और एकदम मक्खन मिलती है, तो आप लोग यहाँ पे फ्री और मतलब जो थोड़े नए वो भी ड्राइव कर सकते हैं। हाँ बट यार ध्यान बहुत देना पड़ता है कि ओवरटेकिंग तो ऑब्वियसली होती है और करते भी हैं यार। अगर आप राइडर हो तो हाईवे आपके लिए बेस्ट है, अगर ऑफ रोडिंग नहीं करते हो। वैसे मेरे को पसंद है ऑफ रोडिंग, बट उसके लिए कोई अच्छी सी बाइक भी हो, और मेरी क्रूजर बाइक है और मेरे को आज के दिन में 500 to 600 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो वो मैं अब मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में जल्दी निकल निकल लूँगा। तो देखो सुबह कितना होता है और फिर मैं हो सकता शाम को रिटर्न आऊँ, कन्फर्म नहीं, फिर मॉर्निंग में भी आ सकता हूँ। तो यार ब्लॉग भी देखते रहना, आप पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा और कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। और यार हाईवे पर ना बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होती है, रोड अच्छी होती है तो यार परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली बढ़िया होनी है। तो यार मैंने अभी सुबह से चाय भी नहीं पी है, तो यार अभी तो हम लोग देख रहे कोई ढाबा वहाँ पे चाय मिलती है, तो यार पहले चाय पीते हैं। चाय में तो दिन स्टार्ट हो ही नहीं सकता, अगर सबसे पहले चाय फिर आगे का ब्लॉग। तो अभी तो यार फ्लाई ओवर है तो इधर तो कोई नहीं मिला, थोड़ा आगे हो सकता है मिले। तो यार अभी आई थिंक हम लोग चल रहे हैं 80 to 100। ऑलमोस्ट अभी अपनी राइड पे हो चुके हैं और आई थिंक 70 to 80 किलोमीटर। और यार सुबह आज का जो शेड्यूल था सुबह उठे आई थिंक 4:30-4:45 बजे, उठ के डायरेक्ट फेस वॉश किया, ब्रश किया, उसके बाद निकल दिया राइड पे। और चाय भी नहीं पीती, तो चाय के बिना तो यार अपना दिन स्टार्ट होना नहीं है, तो यार सबसे जरूरी चाय, तो पहले यार चाय पीते हैं और फिर आगे की राइड स्टार्ट करते हैं अभी। अरे हो सके तो बाल इग्नोर करना, क्योंकि यार बाइक चलाने में हो जाते हैं बाल खराब। सबसे पहले मास्क हटा दिया, मास्क बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए ऑलवेज मास्क लगा के रखता हूँ, चालान भी कट जाता है बिना मास्क, इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यार चाय पीने के बाद आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरे को ये नहीं पता यार कि कैमरा एंगल कैसा सेट है, क्योंकि मैंने हेलमेट में लगा दिया, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं मोटो व्लॉग का, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग, तो पता नहीं यार कैमरा कैसा सेट है, कैसा दिख रहा है, वो एडिटिंग में ही पता चलेगा। बट जो भी हो यार आवाज़ की जो हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बेस्ट ही आए आवाज़।
और यार मैं कुछ अच्छे शॉट्स भी देना चाहता हूँ, तो वो जैसे जुगाड़ से एक देसी जुगाड़ होता है ना यार, उससे शूट किए सारे, तो वो देखना। हाँ इधर से डलवा लेते फिर आगे चलते यार, पता नहीं आगे मिले कि ना मिले। हाँ यहीं से डलवा लेते हैं, सही है इसका। तो यार हम लोग काफ़ी टाइम से रिलायंस का पेट्रोल पंप घूम रहे थे, मिल नहीं रहा था, लेकिन फाइनली एक घंटे बाद रिलायंस का पेट्रोल पंप मिल गया है और फिलिंग भी करवा ली है, क्योंकि यार कुछ गुंजाइश हो सकता है, पेट्रोल कम था। तो फ्यूल फिलिंग करवाने के बाद यार निकल पड़े आगे राइट पे, और काफ़ी ज़्यादा धूप भी हुई और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगी, लेकिन यार जब भी बाइक चलती है थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, और यार हेलमेट के अंदर पता भी नहीं चलता, लेकिन जब हेलमेट उतारते ना तो भाई साहब मतलब पसीना ऐसे निकलता है यार, मतलब क्या तो भाई राइड का जो मज़ा है ना वो मज़ा यार उसके सामने गर्मी कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट 4 आवर हो गए यार राइड के, और मतलब समथिंग 200 किलोमीटर हो भी चुकी है, और इस समय आई थिंक हम लोग खादा में को एग्जैक्ट नहीं पता, फतेहपुर क्रॉस कर लिया था, वहाँ पे स्टॉप ले लिया क्योंकि मेरे को जो काम है मुझसे लेट हो जाना, तो थोड़ा जल्दी भी जाना पड़ेगा। फिर आप कुछ खाते और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही, धूप भी बढ़ती जा रही, तो बाइक से हम दिक्कत होती है, लेकिन जब बाइक चलती तब ठीक लगता है क्योंकि हवा लगती है थोड़ी, तो फिर आगे देखते हैं। और ये जो फ्लाईओवर है ना यार, मतलब यहाँ से रोड, मतलब जो रोड मिलती है ना यार उसकी बात ही अलग है यार, मतलब सिंगल गियर में बाइक चल सकती जितनी भी स्पीड में यार, आपकी बाइक जो मैक्स स्पीड आप वो चला सकते हो। और यार जो फ्लाईओवर है गंगा रिवर के ऊपर है यार, इस समय देख रहे हो अगर आप लोग को दिखा पा रहा हूँ, तो काफ़ी कम पानी है, मतलब आधे तरफ में काफ़ी पानी और आधे तरफ में नहीं है, लेकिन यार ये फ्लाईओवर काफ़ी लंबा, मतलब काफ़ी लंबा, आई थिंक 4 किलोमीटर का यार, बहुत लंबा है, लेकिन यार ये वाली रोड बहुत ही बढ़िया, मतलब काफ़ी तारीफ़ है रोड, तो राइड का मज़ा इस रोड ने बना दिया। और अभी यार असली मज़ा आ रहा है, अभी गर्मी अभी सब यार वाहन कोई मतलब ही नहीं है, अभी तो राइडिंग से मतलब है बस अपनों को, बस यार ऐसी रोड पे चलते जाओ तो फिर बात ही नहीं रहा। तो व्लॉग का यहाँ से जो ये पार्ट है यार, ये मेरे रिटर्न होने का पार्ट है, और सामने आप लोगों को दिख रहा होगा टोल प्लाजा है। मैं नाइट में मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया यार, क्योंकि यार शूट करने कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, बस चमकती सी लाइटें दिखती रहती हैं और ट्रकों की आवाज़, यार कौन देखना पसंद करे भाई ऐसा। तो यार फिर रात में ज़्यादा शूट नहीं किया, हल्का फुल्का जिधर मेरे को लाइटिंग मिली उधर मैंने कैमरा स्टार्ट किया शूट किया कि थोड़ा अच्छा सीन है लाइटिंग से, तो बस मैंने वहीं का शूट किया। से टोल प्लाजा आया था तो मैंने टोल प्लाजा का शूट किया, और आगे भी थोड़ा बहुत शूट किया जहाँ पर मैंने ओवरटेकिंग की है, और नाइट में भी बाइक चलाने में मज़ा है, ना गर्मी ना कुछ, बट यार ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अगर नाइट में राइड करते तो सेफ राइड करो और पूरे राइडिंग गियर पहन के राइड करो, मैंने भी ऑलमोस्ट पहने ही है। तो यार नाइट में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है राइडिंग में, बाकी मज़ा तो यार है नाइट में भी, लेकिन यार मेरी हालत हो चुकी ख़राब थी ऑलमोस्ट आज के दिन में, बाइक चला चुके हैं यार 400+ किलोमीटर, तो हालत तो हो चुकी है ख़राब। आई डोंट नो वेयर आई एम, नाइट कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बस बाइक चले जा रही ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे से बस बाइक चले जा रही है। तो यार आप लोग इस रोड देखोगे कि बहुत सारी ऑटो जा रही हैं जो कि सारी MH नंबर की हैं, तो ये सारी वो ऑटो हैं यार, मतलब जो भी कभी लॉकडाउन हुआ तो सारे वापस आए थे, तो अब यार लॉकडाउन जो भी कम हो चुका है और खुल भी चुका है ऑलमोस्ट है, यार ज़रूरी है लोग जहाँ पे लोग सब लोग जा रहे हैं, अगर मैं दिखा पाऊँगा तो आगे दिखाऊँगा यार, नाइट है मतलब दिख नहीं रहा खाली लाइटें चमक रही, लेकिन हो सकता है मैं आगे दिखाऊँ आप लोगों को। तब लाइन से यार कम से कम मैंने देखी एक लाइन से 100-150 ऑटो जा रही है यार, मतलब सारे ऑटो वाले हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, इस समय अभी बज रहे हैं रात के 11 ही, मैं व्लॉग कब पोस्ट हुआ ये नहीं पता, लेकिन अभी जो टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं,
और ऑलमोस्ट यार मैंने बाइक 500 किलोमीटर प्लस चला ली है। और यार अभी ढाबा देखेंगे, कहीं पे खाना वाना खाएंगे, क्योंकि फिर पता नहीं कभी पहुंचते हैं तो खाना वाना खा के फिर आगे का राइड करेंगे। कुछ दिख भी नहीं रहा, जगह भी पता नहीं चल रही, बस ढाबा देख रहे हैं कोई, और शायद सामने बोर्ड है तो उस पर दिख जाएगा कितने किलोमीटर है। तो यार वो ब्लॉग अपना यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप यू लाइक द ब्लॉग। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब कर देना, जो नीचे लाल बटन है उसको जरूर दबा देना, और घंटी का बटन है ना घंटी भी बजा देना नेक्स्ट अपडेट के लिए। ऐसे अमेजिंग ब्लॉग आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।